भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जा रही तीन मैचों की ओडीआई श्रृंखला इस वक्त 1-1 की बराबरी पर है। अगर हम इस श्रृंखला के शुरुआत से पहले की बात करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम क्लीन स्वीप कर ले जाएगी, जिस कारण टीम मैनेजमेंट ने भी अपने अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया और नए और युवा चेहरों को खूब मौके भी मिले। मगर कैरिबियाई गेंदबाजों के आगे भारतीय युवा बल्लेबाज दोनों मैचों में बेबस दिखे। पहले मैच में तो गिरते पड़ते किसी तरह से जीत तो हासिल हुई, मगर दूसरे मुकाबले में मजबूत कहे जाने वाली भारतीय टीम को मुंह की खानी पड़ी। इस हार के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें एक ऐसे टीम ने मात दिया था जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं किया है। इस हार के बाद अब हम देखने वाले हैं कि भारतीय टीम तीसरे ओडीआई के लिए अपने अंतिम 11 में खूब सारे बदलाव करने वाली है, और तीसरे ओडीआई को जीतकर वर्ल्ड कप से पहले अपने मनोबल को भी ऊंचा रखने का प्रयास करेगी। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि तीसरे ओडीआई के लिए किन खिलाड़ियों की हो रही है भारतीय टीम में वापसी और क्या रहेगा उनका बल्लेबाजी क्रम। भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और इस श्रृंखला का निर्णायक ओडीआई मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। इस बेजान से दिख रही ओडीआई श्रृंखला में कैरिबियाई टीम ने अपने जुझारू प्रदर्शन के दम पर जान फूंक दी है। इस श्रृंखला को हल्के में ले रही भारतीय टीम पर अब सीरीज गंवाने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं वेस्टइंडीज टीम के पास तीसरे मुकाबले में जोरदार प्रदर्शन कर इतिहास रचने का मौका है। भारतीय टीम ने पहले दो ओडीआई में खूब सारे बदलाव किए। पहले ओडीआई में बल्लेबाजी क्रम से छेड़छाड़ हुआ तो दूसरे ओडीआई में रोहित और विराट को ही आराम दे दिया गया, जिस कारण उन्हें दूसरा मुकाबला गंवाना पड़ गया और वेस्टइंडीज टीम को वापसी का मौका मिल गया। उस हार से भारतीय टीम सकते में आ गई है और तीसरे मुकाबले को जीतने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है, और वेस्टइंडीज टीम को एक बार फिर हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। अगर हम तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें खूब सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले रोहित और विराट की प्लेइंग 11 में वापसी तय मानी जा रही, तो वहीं अक्षर पटेल और संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की तो ये वर्ल्ड कप से पहले उनको अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका रहेगा। तो आइए तीसरे ओडीआई के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और उनके बैटिंग क्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की तो रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, जिस कारण ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ सकता है, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम बात करें नंबर 3 पर तो इस बार संजू सैमसन की छुट्टी हो गई है, तो विराट कोहली वहां पे वापसी करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें नंबर 4 की तो वहां पे ईशान किशन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे। इस श्रृंखला में ईशान किशन का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा है, और हम इसी बात की उम्मीद करते हैं कि ईशान किशन अपने इस शानदार प्रदर्शन को तीसरे ओडीआई मुकाबले में भी दोहराएं। वहीं नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर खेलते हुए दिखेंगे, तो सूर्य कुमार यादव एज अ फिनिशर का भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव के लिए ये मुकाबला काफी निर्णायक होने वाला है, क्योंकि उनके लिए वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को साबित करने का ये आखिरी मौका रहेगा। अगर हम बात करें नंबर 7 की तो वहाँ पे रविंद्र जडेजा बतौर स्पिन ऑलराउंडर खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 8 की बात करें तो वहाँ पे शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखेंगे बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वहीं कुलदीप यादव भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर होंगे। अगर हम पेस डिपार्टमेंट की बात करें तो उमरान मलिक और मुकेश कुमार स्पेस डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, इनका बखूबी साथ देते हुए दिखेंगे शार्दुल ठाकुर। तो ये भारतीय टीम की पूरी पॉसिबल 11 थी जो कि तीसरे ओडीआई में खेल सकती है। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।